हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। और आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें हम सीसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस बार का पेपर जो था वो सीसेट में सबसे डिफिकल्ट था पेपर। 2011 के बाद सबसे डिफिकल्ट पेपर UPSC ने बनाया था। इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी हो गया था। और डिफिकल्टी लेवल की हम बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे ये भी बहुत ही डिफिकल्ट थी। एक ही चैप्टर नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन, तो डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दिया था। कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत इजी नहीं था 22 की तरह, कॉम्प्रिहेंशन भी थोड़े ट्रिकी थे। और वो भी एक कॉम्प्रिहेंशन पे एक ही क्वेश्चन था, तो एक तरह से वो भी मॉडरेट मान सकते हैं, अगर डिफिकल्ट ना माना जाए तो। ओवरऑल पेपर बहुत डिफिकल्ट था। और ऐसा एनालिसिस है लोगों का, 70-80% एक्सपीरियंस जो कि सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम में अपीयर हुए थे 2023 में, 70-80% जो कैंडिडेट थे वो सीसेट ही नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो फिर GS का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इस लेवल का डिफिकल्टी पेपर है। और हम थोड़ा कंपोजिशन की अगर बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल सीसेट में 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन पूछता है UPSC। अब यही पैटर्न चल रहा है, जिसमें 27 क्वेश्चन जो थे कॉम्प्रिहेंशन से थे। कॉम्प्रिहेंशन थोड़े डुएबल थे, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन सब्जेक्टिव होता है, तो रिस्क हमेशा रहता है कॉम्प्रिहेंशन में। 27 कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन थे, 39 क्वेश्चन क्वांट से थे, क्वांट मैथ्स से 39 क्वेश्चन थे 39, और 14 क्वेश्चन लॉजिक और रीजनिंग से थे। मैथ्स की अगर हम बात करें तो केवल 2 चैप्टर से 80-90% क्वेश्चन थे। नंबर सिस्टम से उन्होंने 26 के आसपास क्वेश्चन पूछ लिया था। केवल एक नंबर सिस्टम चैप्टर से 26 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जब कैंडिडेट के लिए और सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट था। उसी तरह दूसरा जो एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है उससे 10 क्वेश्चन थे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट थे। और ऐसा भी कुछ लोगों ने बताया कि 10 से 12 क्वेश्चन IIT और CAT के प्रीवियस ईयर से सीधे उठाए गए थे, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट थे और हो नहीं पा रहे थे विद इन टाइम लिमिट। उसी तरह जो इजी चैप्टर थे मैथ्स के, वो चाहे टाइम एंड डिस्टेंस हो, मिक्सचर हो, रेशियो हो, ये सब सारे इग्नोर थे। क्लॉक से क्वेश्चन जो आते थे इजी, ये सब इग्नोर कर दिए गए थे। उसी तरह अगर रीजनिंग की हम बात करें तो मात्र 14 क्वेश्चन थे, और रीजनिंग भी इजी नहीं थे। ईयर की डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, वहाँ पे डाटा से सफिशियंसी से लिंक किया हुआ था। एक स्टेटमेंट था और दे रहा है, पूछ रहा है कि स्टेटमेंट सही होने के कितने स्टेटमेंट की ज़रूरत है। डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन 3-4 स्टेटमेंट लिंक करके, तो डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन थे। और जो ईजी क्वेश्चन रीजनिंग के जो आते थे अभी तक, जैसे सिलोजिज्म के, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये सारे क्वेश्चन को लिमिट कर दिया था UPSC, और इस तरह से पेपर डिफिकल्ट हो गया था, जिसमें बच्चे नहीं कर पाए। और हम मानेंगे कि जो 2023 का पेपर था वो सबसे डिफिकल्ट था। इसको हम कैसे, आखिर इस लेवल के जब पेपर आ रहा है सीसेट का, हो सकता है अगले बार भी यही रिपीट हो, इसी लेवल का पेपर आए, चाहे थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हम इस लेवल के लिए प्रिपेयर होकर जाएंगे, क्योंकि अगर हमें क्वालिफाई करना है तो हम मान के चलेंगे कि इसी लेवल का आएगा, और इस लेवल का हमें तैयारी चाहिए, विशेषकर मैथ्स और रीजनिंग का। तो स्ट्रेटजी क्या हो सकता है, कैसे हम इस लेवल को पेपर को टेकल कर सकते हैं, इसके लिए 2-3-4 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसे शायद करने से मुझे लगता है कि आपको हेल्प मिलेगा। पहला चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ई कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन की हम बात करेंगे, 27 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं 1/3। और कॉम्प्रिहेंशन वो है जो सब्जेक्टिव तो है, लोग डरते हैं कॉम्प्रिहेंशन बनाने से, लेकिन यहाँ पे हम चाहें तो अधिकतर क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों ने जो कॉम्प्रिहेंशन बना के पास हुआ, इवन कि मैं भी कॉम्प्रिहेंशन ही बनाया था, 27 में 27 कॉम्प्रिहेंशन में बनाया था 1 घंटे टाइम देकर, और मेरा 20-22 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का सही था, और कहीं ना कहीं इसी के चलते मैं भी पास हो पाया सीसेट में। तो कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सब्जेक्टिव है, लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ लॉजिक हैं, कुछ एलिमिनेट ऑप्शन एलिमिनेट करने के कुछ तरीके हैं, जिसको आप जानेंगे तो आप कॉम्प्रिहेंशन में 20-22 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ही थोड़ा शांत से पढ़ना पड़ेगा आपको, थोड़ा कॉन्सनट्रेट होकर। और कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे हम लोग GS में ऑप्शन एलिमिनेट करते थे, उसी तरह इसमें भी एलिमिनेशन टेक्निक काम करता है। जैसे कुछ एक्सट्रीम वर्ड हो गए, ऑल, नेवर, नॉन, इनहेरेंटली, मस्ट ऑफ, ऐसे कुछ एक्सट्रीम वर्ड हैं जिसके सहारे आप ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं और अपना एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। इसी के सहारे मैं भी 20-22 क्वेश्चन सही कर पाया कॉम्प्रिहेंशन में। तो और इसके अलावा आपको न्यूज़ पेपर रेगुलरली पढ़ना चाहिए। न्यूज़ पेपर पढ़ने से आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल जो है इंग्लिश का वो और अच्छा हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान देंगे, एलिमिनेशन ट्रिक्स बार बार प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर आप प्रैक्टिस करेंगे, कैसे आप अपना एक्यूरेसी कॉम्प्रिहेंशन बढ़ा सकते हैं। न्यूज़ पेपर पढ़ें ताकि आपका कॉम्प्रिहेंशन डील करने का स्किल बढ़ जाए। कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा एरिया है जो बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, यहाँ पे आप 20-21 क्वेश्चन करके सेफली निकल सकते हैं सही करके, और ये आपके क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। क्योंकि मैथ्स ओरिजिनल के क्वेश्चन करने होते हैं, माइंड उस तरह का प्रिपेयर कई बार नहीं होता, एग्जाम में हम लोग कर नहीं पाते, टाइम का प्रेशर होता है। तो मेरा ये सलाह होगा कि आप कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करें,
ट्रिक लॉजिक के सहारे, प्रैक्टिस के सहारे, प्रीवियस क्वेश्चन को देखकर इस पार्ट को आप स्ट्रॉन्ग करें, ये आपको हेल्प करेगा सीसेट क्वालिफाई करने में। दूसरा, मैथ्स के लिए क्या किया जा सकता है। मैथ तो पूछेगा ही, यूपीएससी 53 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर आते हैं, वो आएंगे, इसमें कम बेसी ज़्यादा नहीं हो सकता है, वो 53 के आसपास रहेंगे, आगे भी रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो इसके लिए अब इस लेवल का जो मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं फिर रीजनिंग के, उसके लिए कैसे तैयारी किया जाए, मैं थोड़ा रिसर्च किया हूँ इसके बारे में और मैंने पाया कि एक दो बुक हैं जो शायद हमें हेल्प करेंगे इस लेवल के क्वेश्चन को डील करने के लिए। मैथ को, मैथ के लिए तो अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है यूपीएससी, अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरी हैं, और फिर उस पर बेस्ड प्रैक्टिस आपको करना होगा इस तरह के। इसके लिए जैसे मैंने बताया कि मैथ्स में एक नंबर सिस्टम से मात्र 26 क्वेश्चन पूछे गए थे, और फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे केवल 2 चैप्टर से, जबकि इजी चैप्टर जो थे टाइम एंड वर्क है, या फिर डिस्टेंस है, या फिर क्लॉक है, और भी चीज़ें मिक्सचर है, रेशियो, सब इग्नोर थे पूरी तरह से, एवरेज जो आते थे। तो ठीक, आपको उन सब चैप्टर को पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि इग्नोर है तो छोड़ देना है, टाइम एंड वर्क है, रेशियो है, मेंसुरेशन है, और फिर जो भी क्लॉक है, एवरेज है, सबको पढ़ना है, परसेंटेज को भी पढ़ना है, हो सकता है अगली बार थोड़ा इजी आ जाए, कुछ भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते, तो उस सब चैप्टर को पढ़ना है। लेकिन नंबर सिस्टम जो कि 26 क्वेश्चन है, हर साल ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है, और चूंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसके लिए मैंने एक बुक देखा है, सर्च करके पाया कि इस बुक को करने से आप कर सकते हैं। इस बुक, जैसे मैंने वीडियो में आप देख सकते हैं, इस बुक का नाम सर्वेश्वर वर्मा ने इस बुक को लिखा है, और बुक एक्चुअली कैट के लिए है। आप लोग का अच्छा होगा मैं कैट का बुक क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस बार के क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर कैट और IIT से उठाए गए थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। इस बुक को देखने के बाद मुझे लगा कि आप इसमें 3 लेवल की एक्सरसाइज है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लेवल 2, लेवल 3 को इग्नोर करें, लेवल 1 के जो क्वेश्चन हैं, लेवल 1 के जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं, उसको आप पढ़ें, एटलीस्ट नंबर सिस्टम के लिए। नंबर सिस्टम को आप अच्छे से कर लें इस बुक से, उससे 25-26 क्वेश्चन रह रहे हैं, हर साल ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज और परम्यूटेशन कम्बिनेशन चाहें तो, कुछ और भी एक्सरसाइज चाहें तो, जैसे टाइम एंड वर्क का, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, और वहाँ से लेवल 1 का जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसको आप सॉल्व करें, उसका थ्योरी पढ़ें, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ें, उसको आप सॉल्व करें नंबर सिस्टम का। तो आप इस बुक से लेवल 1 जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से इस लेवल के जो क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी उसको कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है 15 से 20 क्वेश्चन आप कर लेंगे, इतना भी आप सही कर लें तो आपका मैथ में अच्छा हो जाएगा। उसी तरह रीजनिंग के लिए भी मैंने एक बुक देखा, तो उसमें आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है, और ये है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग करके, आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने डाला हुआ है इसका फोटो, तो आर एस अग्रवाल की जो बुक है ये आप ले सकते हैं। और एक सावधानी यहाँ पे बरतना है, एक बहुत मोटा बुक है, बल्कि बुक है, शायद यूपीएससी के लिए उतना ये नहीं हो, लेकिन चूंकि अब रीजनिंग के क्वेश्चन भी डिफिकल्ट आने लगे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ बल्कि बुक है, लक्ष्मीकांत से ही मोटा है, लेकिन ये है कि इसमें आप सिलेक्टिव होना है, जैसे जिस चैप्टर से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है 22-23 में, जैसे क्वेश्चन डाटा सफिशेंसी के क्वेश्चन जो है, इस बुक से आप सिलेक्टिव होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट जान लें उसका प्रैक्टिस करें। ये दो बुक जो है आपको 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में सीसेट के मैथ्स के खास करके 25 से 30 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, दो बुक का अच्छे से आप स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और चूंकि ज़रूरी है, मैंने ऐसे मैं अपने दोस्तों को भी जानता हूँ जिनका मेंस का तैयारी बहुत अच्छा था, इंटरव्यू दे चुके हैं लेकिन सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आप सीसेट को हल्के में न लें, जो भी नया एक्सपीरियंट है, जो दे चुके हैं वो जानते हैं, नया एक्सपीरियंट है उनको मैं कहना चाहूँगा सीसेट को बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है। जिनका सीसेट कमज़ोर है, दो बुक और प्री कॉम्प्रिहेंशन का जो मैंने बताया उसकी सहायता से आप तीनों पार्ट को बैलेंस रखें, तीनों को स्ट्रॉन्ग करके जाना है एग्जाम में, जो ईजी आए तो उसको आप कीजिए, जो डिफिकल्ट है उसमें कम कीजिए, ये हमारा रणनीति होना चाहिए, बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, और तब हम जाकर जो 33% जो है उसको पास कर पाएंगे इतना डिफिकल्ट पेपर में भी। और एक टाइम की बात अगर करें तो सीसेट पे ऐसा भी नहीं है कि 4-5 घंटे आपको टाइम देने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पहली बार दे रहे हैं, फिर दूसरी बार भी दे रहे हैं, आपका सीसेट कमज़ोर है, आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो मेरा सलाह होगा कि आप दिसंबर से स्टार्ट करें, आप मई अप्रैल का वेट ना करें, आप दिसंबर से स्टार्ट करें, और डेली 1 से 1.5 आवर 2 आवर मैक्सिमम 2 आवर, उससे कम ही, आप 1 से 1.5 घंटे के बीच में 2 घंटे तक आप दे सकते हैं। मैथ्स का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, रीजनिंग का प्रैक्टिस ज़्यादा करें, ये 2 सेक्शन प्रैक्टिस के लिए है, यहाँ कॉन्सेप्ट थ्योरी पर है, इस 2 बुक की सहायता से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और कॉम्प्रिहेंशन का बीच बीच में प्रैक्टिस करें, न्यूज़ पेपर पढ़ते रहें, कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा हो जाएगा। दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 5 महीने आप 1-1.5 महीने रोज पढ़ते हैं, 1-1.5 घंटे रोज पढ़ते हैं 2 घंटे, तो आप सीसेट आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, मेरा ये भरोसा है, छोड़ने से नहीं होगा। 1-2 घंटे आप रोज पढ़ें, प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट पढ़ें, और इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाएं, कुछ कोचिंग से कुछ जो टेस्ट सीरीज है उसको फॉलो करें, आप सीसेट के थ्रू हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए 4-5 महीने 1-1.5 घंटे रोज, ये आपका फॉर्मूला हुआ,
इस पर आप इतना अगर मेहनत करते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। मेरा भी जैसे मैंने बताया 22 में सीचर क्लियर नहीं हुआ था, जबकि पेपर बहुत ईजी था, 22 में सीचर फेल कर गया अपनी रणनीति के कारण, मैं कॉम्प्रिहेंशन टच ही नहीं किया। इस बार मैंने प्रैक्टिस किया, इस बार मैंने तीनों सेक्शन को बैलेंस होकर गया एग्जाम में, और मैंने मेहनत किया था मैथ के लिए, 2-3 महीने पढ़ा था रोज 1-2 घंटे, डिफिकल्ट पेपर आया 3-4 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट आया 22 से, फिर भी मैं पास कर गया। तो ये होता है रणनीति और मेहनत, सही स्ट्रेटजी हो, सही मेहनत हो तो आप पेपर डिफिकल्ट होने के बाद भी क्रॉस कर सकते हैं, आप इस पर ध्यान देंगे। सभी को धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।